दोस्तों नमस्कार। आज सुबह का नाश्ता कुछ अलग सा। क्या लग रहा है आपको, ये वड़ा है या पकोड़ा है, क्या लग रहा है आपको? सरप्राइज़ है दिल्ली वालों के लिए। मैं इस समय बनारस में हूँ और स्ट्रीट फूड का शौकीन तो हम सभी हैं तकरीबन, और बनारस का स्ट्रीट फूड कुछ डिफरेंट होने का मुझे उम्मीद थी पूरी। और ये मेरे साथ है अमित सरकार। हाँ जी, ये इडली है लेकिन ये फ्राइड इडली है, चटपटा खाना इसको माना जाता है। बनारस में हर जगह आपको चाहे दशाश्वमेध घाट से लेकर आप छिट्टूपुर तक देख लीजिए, पूरा यही नाश्ता मतलब सुबह सबसे अच्छा माना जाता है। वेरी सिंपल, बनी हुई इडली को ही इडली के बैटर में डिप करके और फिर फ्राई कर लिया जाता है। पहले फ्राई इडली को ऐसे काट लेते हैं। अब इसमें डलता है सांभर। ये चटनी डाल दी इसमें, ये राई डाल दिए, हल्का सा मसाला, और ये तीखी चटनी। ये तीखी चटनी डाले? नहीं नहीं नहीं, हरी चटनी मत। हरी चटनी नहीं डाले, मिर्ची की चटनी है हरी चटनी। फिर इसके बाद ऊपर से हल्का सा प्याज डाल दिए। प्याज डाले? डाल दी डाल दी। ऊपर से प्याज डाल दिए, हो गया आपका बनारस का मज़ेदार एकदम रसीलेदार। और ये देख रहे हैं आप इडली। आपको फिर बता दूं, ये इडली है फ्राइड इडली, दिल्ली वालों के लिए बनारस का सरप्राइज। अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट से होते हुए। दोस्तों ये है काशी वाराणसी, बदला बदला सा, जी हाँ, कुछ नया नया सा और कुछ पुराना पुराना सा भी। ये है बांस फाटक रोड, बनारसी सूट साड़ियों का एक बड़ा बाजार। और काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का भी यही रास्ता है, श्री काशी विश्वनाथ द्वार। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर, आइए चले बाजार से होते हुए जहां काफ़ी भीड़ है, और हमारी किस्मत की आज हम यहां हैं देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं के साथ। हमारे घरों में पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला तकरीबन हर सामान यहाँ बाजार में उपलब्ध है। दोस्तों माफ करना, मंदिर के दृश्य मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करना मना है।
ये है जगदीश भाई गुजरात से, गुरुदेव की शरण में अपनी कला को समर्पित करते हुए।
शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे, जन्मों तक ना टूटेगी।